आप कहते हैं कि अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो हम 10 मुसलमान का खून बहाएंगे। मुझे लगता है किस परिपेक्ष में हुआ है, किस परिपेक्ष में कहा गया है, पूरा वक्तव्य सामने आएगा तो मुझे लगता है उस पर ज्यादा बेहतर तरीके से बोलूं। चलिए आपको मैं पूरा वक्तव्य सुना देता हूं आपका, ऐसी क्या बात है। ये वीडियो हमारे पास में है 27 जनवरी 2007 का, गोरखपुर में, कैसे आपके मुंह से मशीन गन से भी ज्यादा आग निकल रही है, आपको सुनवाते हैं। अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से FIR दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या अवश्य करवाएंगे जो लोग कतई अब बर्दाश्त की सीमाएं समाप्त हो चुकी हैं। अगर कोई हिंदुओं के घरों और दुकानों में आग लगाता है तो मैं नहीं मानता हूं कि आपको इन सब कृत्यों को करने, इस प्रकार के कृत्य करने से कोई रोकता है। बंधु, ये सब सीमाएं स्वाभिमान और सम्मान की पराकाष्ठा को तोड़ती जा रहे हैं और आज आप सबको इसके खिलाफ अपनी लड़ाई को लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। मैन जी, पूरे फ्लो में बोल रहे हैं आप, भगवा वस्त्र पहन के साधु का रूप धारण करके इस तरह की नफरत की बात करना ठीक है? आप लोगों से कह रहे हैं कि हम FIR दर्ज नहीं करवाएंगे, अगर एक मारेगा तो हम 10 मारेंगे, आप गब्बर सिंह हैं कि हमने? योगी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ऐसे विकास करेंगे लोगों के घर जला के उनको मार के? हमने कहा आप लोगों को भड़का रहे हैं, उनको हिंसा करने के लिए उकसा रहे हैं, ये कानून अपराध है। मैं कहना चाहता हूँ आम नागरिकों से कि पॉलिटिशियन के बहकावे में मत आओ, आपस में झगड़ा मत करो, हिंदू मुस्लिम साथ में रहना चाहिए। जैसा मैंने कल कहा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। इंडिया है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, क्यों आपस में झगड़ा करते? पॉलिटिशियन बहकावे में मत आओ। और हम सब हिंदुस्तानी, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, हम में डिफरेंस हो सकता है, हम में कुछ बात पे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, आपस में एक दूसरे की जान नहीं लेना चाहिए। हम साथ हैं तो इंशाअल्लाह, सब मजहब सिखाता है कि कोई बेगुनाह को कत्ल नहीं करना चाहिए,